तो जरा आप लोग बताइए कि कल आखिरी टैग हम लोग कौन सा पढ़े थे, कौन सा टैग टेबल था, टेबल में क्या क्या हमें पढ़ा था, टेबल का प्रैक्टिस कितने लोगों ने किया, टीडी था, टीआर था, टेबल था, ठीक है। टेबल का जो स्टैंडर्ड है ना, नियम कानून के अकॉर्डिंग, HTML 5 के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग, टेबल होता है, फिर टेबल हेडर होता है, फिर टी बॉडी से टेबल बॉडी बनाया जाता है, ठीक है। पर मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ सिमेंटिक्स वगैरह, अभी मैं क्या करता हूँ कि एक फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फोल्डर कैसे बनता है आप लोग जानते हैं सब, चलिए जी, आईसेक्ट, नहीं ये स्पेलिंग गलत है, आईसेक्ट, ठीक। अब क्या करूंगा, ये है मेरा टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। ये मैं कोई और वेबसाइट्स वगैरह पे काम कर रहा था, ठीक है। तो इन सब को मैं कर दूंगा बंद, ठीक है। रियल टाइम पे जो वेबसाइट्स वगैरह बनते हैं उसमें कुछ इसी तरह का कोड वगैरह लिखा रहता है। अच्छा, कमेंट के बारे में आप लोग को नहीं बताया ना, इस कमेंट को मैं देखा तो मेरे को याद आ गया अचानक से, बता दे रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो रियल टाइम पे आप काम करेंगे तो कुछ इसी तरह का आपका कोड होगा, ठीक है जी। तो मैं इन सबको जो है बंद कर दे रहा हूँ, इसको ऐसे कर दूंगा, यहां से मैं फोल्डर ओपन करता हूं, ठीक है। आईसेक्ट नाम का फोल्डर डेस्कटॉप पे है, ये देखिए ओपन कर लिया मैं फोल्डर। अब इसको बंद कर दूंगा, ये वाला यहां पे आ गया, ठीक। ये फोल्डर यहां पे खुल गया, खुल गया ना। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे राइट करके न्यू फाइल पे जाऊंगा, ठीक है, और फिर इसको सेव करूंगा, ठीक है। यहां पे मैं फाइल का क्या नाम दे दूंगा, एडमिशन, स्पेलिंग सही है एडमिशन का, .html, ठीक। एंटर मार दूंगा तो क्या हुआ आप देखना, इधर एक एडमिशन .html का फाइल बन गया, ठीक। तो मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूं अभी, ठीक है। HTML लिखा और टैब मारा, अपने आप लिखा के आ गया, ठीक। कितना बढ़िया तरीका है ना, ठीक है। तो ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन है, इसे पता चलता है कि जी HTML में डॉक्यूमेंट है, ये टेबल का हेडर है, बॉडी है, ठीक है। ये टाइटल है, टाइटल में क्या ले लूंगा मैं, एडमिशन फॉर्म, क्या मैं एडमिन लिख दिया, एडमिशन फॉर्म, ठीक। एडमिशन फॉर्म यहाँ पे ले लूंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे करूंगा कॉपी फाइल पाथ, और ये करने के बाद यहां पे आऊंगा और ब्राउजर में आके मैं रन कर दूंगा इसको, पेस्ट कर दिया मैं, ठीक। रन कर दूंगा तो ये चलने लगेगा। आप तो ऐसे कर नहीं पाओगे तो क्या करोगे आप लोग, आप लोग अपने फोल्डर के अंदर जाके इसी पे डबल क्लिक करना तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आ गया ना एडमिशन फॉर्म, आप सब लोग देख रहे हैं आ गया, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा जी, यहां पे मैं आता हूं टेबल बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये टेक्स्ट एडिटर तो है, ये देखिए मेरा, ठीक है। अच्छा, आप ये आप लोग ये बताओ, ठीक है, कि इसका इस्तेमाल आपने किया था, इसका प्रैक्टिकल आपने कर लिया था, नहीं करा था आपने किया था आपने, नहीं किया था, नहीं किया किए बताओ भाई, कुछ नहीं बताना, बोल के फंस जाते हैं क्यों भाई, मैं कोई, आप कह दोगे नहीं तो हम कोई फांसी पे थोड़े चढ़ा देंगे, चाहे गोली थोड़े मार देंगे आपको, क्यों, मैं पूछूंगा आपने प्रैक्टिस किया, आपने कर दिया नहीं कर पाया, कुछ रीजन हो था तो हम गोली मार देंगे क्या आपको, गोली तो नहीं मार देंगे जी। तो बताइए जी, आपने प्रैक्टिकल करा था, क्यों इसका मेरे को सुनाई नहीं दिया, थोड़ा तेज बोलिए। अच्छा, लाइट कट गया
लाइट तो नहीं कटा, मैं गलत सुन दिया। लंच का टाइम हो गया। अच्छा लंच का टाइम हो गया था। मैं सही तो सुना ना अभी। हाँ तो फिर क्या प्रॉब्लम, थोड़ा आप लोग और तेज हंसिए, हंसना हर्ट के लिए बहुत अच्छा होता है आपको मालूम। बताते हैं ना, हाँ बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं फिर, ठीक है बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। तो क्या कारण था आप रोने के बारे में मुझे मालूम नहीं है। रोना भी अच्छा होता है ना, सही बात है। तो आपने फिर से रीजन आप बताइए, आपने क्या रीजन बताया था। हाँ रोना के बारे में तो नहीं जानता, पर दिल का भड़ास निकालना अच्छा होता है, ठीक है ये काफी अच्छा होता है, मन हल्का हो जाता है गरियालों का हम पर तो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सामने वाले के पास ही निकालो, हो सकता है वो भड़क के आपको जड़ दे, कुछ दे दे आपको, आपका कुटाई कर दे, हर जगह होता है ना। हाँ सत्य कहा आपने, हर जगह हंसना पागल ही बोलेगा लोग। हाँ समझ गए मुझे। आपने बादशाह मूवी देखा है, NTR का बादशाह, नंदमूरी तारक रामाराव, तो इसका मूवी था बादशाह। तो एक कॉमेडियन है ब्रह्मानंद, ठीक है आता है उधर से बड़े चलता है कोई दबंग मूवी का गाना, आता है उधर से बोलता है गधे हुक्म का इंतजार करते हैं, सेल सिचुएशन के हिसाब से काम करते हैं। बड़े दमदारी से बैठता है आराम से, उसका जो हायर ऑफिसर बगल में रहता है उसका तो भैया गुस्से से लाल पीला होता रहता है, ठीक। तो आपको भी सिचुएशन के हिसाब से हंसना चाहिए। अब सामने वाला कोई सीरियस बात कर रहा है आपसे और आप हंसेंगे तो उसको बुरा लगेगा, ठीक है। तो सामने वाला का बॉडी लैंग्वेज जैसा होता है लगभग कुछ आप ऐसे ही रखिएगा, ठीक है। तो मैं कहाँ था याद नहीं, मालूम नहीं। हाँ आपने क्यों नहीं बनाया था बता। आपने बताया नहीं कारण, बोलिए बताने लायक ही नहीं है अब। चलिए टेबल है, टेबल को थोड़ा हम और पढ़ लेंगे। अच्छा और पढ़ लेंगे से जैसे कॉल स्पैम आपको मैं बताया था ना, कॉल स्पैम, वैसे ही रो स्पैम भी काम करता है रो के लिए, आप खुद प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। टेबल को मैं बाद में और बताऊंगा, ठीक। तो देखते हैं थोड़े से फॉर्म को, ठीक है। तो आप फॉर्म का मतलब क्या समझते हैं, फॉर्म के बारे में कुछ बताइए आप लोग। फार्म फार्म समझते हैं नहीं समझते हैं। तो थोड़ा कुछ बताओ ना भाई उसके बारे में, जो फार्म आप समझ रहे हैं ना मैं उसी की बात कर रहा हूं। उदाहरण कुछ दीजिए, कितने तरह के फॉर्म होते हैं, किस किस काम के लिए भरा जाता है, काय के लिए भर, एडमिशन फॉर्म और एक आध दो चार और उदाहरण दो। हाँ अच्छा और परफेक्शन फॉर्म, ठीक है। आपको बता दूं मैं, 2+2 करेंगे तो 4 ही होगा, चाहे जर्मन में करिए, फ्रांस में करिए, तमिल तेलुगु, अच्छा 2+2 होगा भाई, तब तो आप महान व्यक्ति हैं क्योंकि यार प्रोफेशनल मैथमेटिशियन रहेगा कुछ छो साबित कर देगा। अब आप जानते हैं दुनिया का सबसे घटिया अंग्रेजी घटिया मैथ मेरा ही था तो मैं कुछ नहीं साबित कर सकता। मेरा संस्कृत बहुत अच्छा था। हाँ मेरा संस्कृत बहुत अच्छा था, उसके अपेक्षा विज्ञान अच्छा था, नहीं मतलब उससे थोड़ा कम विज्ञान अच्छा था मेरा, उससे थोड़ा और कम कहिए तो मैं नहीं बोलना चाहता क्या था। राजनीति में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, राजनीति में मुझे इंटरेस्ट लगभग आपका
अभी कुछ एक दो साल हो रहा है, तीन साल हो रहा है कि मैं, मुझे थोड़ा सा राजनीति में रुचि था। क्या चीज? वो अभी मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था, राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे राजनीति से एलर्जी था। क्या चीज? विज्ञान में मेरा दो सब्जेक्ट अच्छा था, एक तो बॉटनी सही था और एक था बायोलॉजी या जियोलॉजी कह लो। अभी मत कहिए कि इतना अच्छा था तो पास क्यों नहीं किया। सर अब सबूत नहीं लाए कि मैं फेल हो गया था। कल लेके आऊंगा यार, भूल गया। आप क्यों चाहते हैं मेरा लाइफ बेइज्जती हो जाए वहां पे? नहीं नहीं, क्यों? हम भी सब क्या चाहते हैं। तो क्या लगता है मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ फेल था? क्यों, क्या लग रहा है आप लोग को? अच्छा सबूत रहेगा? ओ, ये बात है, सबूत चाहिए। ले लेना यार, दिखा दूंगा, कल ही दे दूंगा सबूत। क्यों, तो क्या लगता है आपको, सच में फेल नहीं होऊंगा मैं? सच में फेल था भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं पहले बोल लेता हूँ फिर सत्य साबित कैसे करूँ सोचता हूँ। लेकिन अभी जो बोल रहा हूँ सच ही है। तो फॉर्म पढ़ लेना। तो आपने बहुत सारा फॉर्म बता दिया जी, एडमिशन फॉर्म तो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो, पता नहीं क्या क्या फॉर्म। ठीक है, तो वो फॉर्म कैसा होता है, आप उसको कैसे भरते हैं? आप फोटो हाँ फोटो कॉपी आप करा लेते हैं और पेन से भर देते हैं जी, यही होता है ना। तो अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भरना है। माने क्या, कुछ वेबसाइट्स वगैरह होगा, उसमें फॉर्म बन के आ जाएगा, कंप्यूटर से भर देंगे, कितना अच्छा होगा। ठीक, तो उसी फॉर्म को भरने के लिए क्या हुआ, फॉर्म टैग का इन्वेंशन करा गया। ठीक, फॉर्म टैग का आविष्कार किया। अच्छा, इन्वेंशन और आविष्कार एक ही होता है ना? चलो बेइज्जती नहीं होगा। तो इन्वेंशन करा गया फॉर्म टैग का। ठीक है, तो फॉर्म टैग कैसे बनता है जी, बड़ा आसान है। क्या करूंगा मैं, FORM लिख के इस मारूंगा, एंटर बन जाएगा ऐसे। तो ये आपका फॉर्म टैग बन के रेडी हो गया। ठीक, अब इसमें आप नेम दे दीजिए जी। मैं क्या दे दूंगा, एडमिशन FORM। ठीक है, ये हो गया एडमिशन फॉर्म इसका नाम। ठीक, अब एडमिशन को आप, एडमिशन फॉर्म तो आपने भरा। ठीक है, ये फॉर्म का नाम हो गया। फॉर्म में कई तरह के एट्रीब्यूट होते हैं, मैं सारे एट्रीब्यूट तो आपको बताऊंगा नहीं जी। ठीक है, कहा कि कुछ एट्रीब्यूट हैं जो सर्वर साइड लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, जैसे एक्शन वगैरह हो गया। कुछ हैं जो कि इवेंट वगैरह हैं, जो कि जावा स्क्रिप्ट और बाकी सर्वर साइड वगैरह में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये फॉर्म बन के तैयार हो गया। जैसे आपने बोला ना, एडमिशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, या किस चीज का फॉर्म है, तो वो फॉर्म का नेम ही यहाँ पे मैं दे दिया हूँ। ठीक, आपको समझ में आ गया जी। अब इसको मैं रन कर दूंगा तो क्या दिखाई देगा आपको, मालूम क्या दिखाई देगा? बोलो, बिना बताया कैसे पता चलेगा? ये लीजिए जी, आए, ये क्या मजाक है, बड़ा गंदा मजाक कर लिया ना। लेकिन हमारा फॉर्म टैग बन चुका है जी, देख लो, कंट्रोल यू दबाया तो ये देखिए आ गया है। राइट, अब सादा पन्ना में लिख देंगे कि एडमिशन फॉर्म है, तो क्या सच में एडमिशन फॉर्म हो जाएगा? नहीं होगा। तो ठीक उसी तरह से, खाली यहां पे लिख दिया मैं, इसको मैं बंद ही कर देता हूं, इसको मैं यहां पे लिख दिया खाली फॉर्म टैग, तो ये बन गया फॉर्म, फॉर्म तो बन गया जी। लेकिन करेंगे क्या इसका, तो इसमें कुछ हमें कंट्रोल्स ऐड करना पड़ेगा, कुछ टूल बॉक्स ऐड करना पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसा डेटा कंटेंट कंट्रोल कह लो, कंट्रोल ऐड करें जिससे हमें जगह मिले लिखने के लिए। जैसे आप क्या करते हो जी, विन वर्ड में खोल लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे नेम लिखेंगे, हटना इतना, यहां पे नेम लिखेंगे। ठीक है, यहां पे क्लास लिख देंगे जी। ठीक है, यहां पे रोल अंडर स्कोर नंबर, अंडर स्कोर क्यों दे रहा हूं मैं, ये लिख देंगे। और क्या करेंगे जी हम, तो यहां पे किनारे लिख देगा सामने वाला नाम, या फिर हम क्या करेंगे, इस तरह का कुछ डब्बा भी तो बना देते हैं ना।
मैं सैप ले रहा हूँ, आप टेक्स्ट बॉक्स भी लेके बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह का कुछ ले लेंगे हम, और इसी में वो क्या करेगा, कंट्रोल दबाया और पकड़ के खींच लिया, फिर कंट्रोल दबाया खींच लिया, फिर एक से मल्टीपल कंट्रोल दबा दबा के सिलेक्ट कर लिया और पकड़ के खींच लिया, और डिलीट दबा दिया तो गायब हो गया, ठीक। बड़ा आसान काम है ये सब, तो मैं बताया हूँ आपको एमएस वर्ड में, तो और इसी में मैं लिख दूंगा, तो ये सारे कंट्रोल्स हैं, राइट। तो कंट्रोल का मतलब आप लोग समझ गए। अब बात आता है कि कंट्रोल बनते कैसे है, कंट्रोल बनता कैसे है, राइट। तो सबसे पहले यहां पे मैं नेम लिख दूंगा ऐसे, ठीक। अब इसके बाद क्या करूंगा, कंट्रोल, आपको मालूम है इनपुट लेना होता है हमें कुछ, तो हम कहते हैं इनपुट, राइट। तो हमको क्या लेना है यूजर से, कुछ लेना है यूजर से उसका नाम, तो लगाएंगे हम क्या, इनपुट टैग। इनपुट टैग में लिखा इनपुट टैग तो ऐसा आ गया, ठीक, इनपुट स्पेस टाइप, टाइप में टाइप दे देंगे और नेम में इनपुट टैग का नेम दे देंगे, और फिर और भी कुछ लिखना है क्या, नहीं अभी नहीं लिखता हूं मैं। तो ये देखिए आपका इनपुट एलिमेंट बनके रेडी हो गया। इनपुट एलिमेंट में और सारे भी एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, इसको हटाइए, इनपुट टैग सिर्फ इतना है, ठीक। मैं सेव करके रन कर दूं तो आप देखिएगा ये बनके आ गया, बन गया ना, कितना बढ़िया है ना, खुशी का बात है, बन गया जी, ठीक। अब ये इनपुट तो है लेकिन ये किस चीज के लिए है, तो टाइप लेते हैं, टाइप में ले लेंगे क्या, टेक्स्ट, ठीक, कि ये जो इनपुट एलिमेंट बन रहा है ना हमारा, ये किस तरह का डेटा लेगा, वो होगा टेक्स्ट। टेक्स्ट में कुछ भी हो जाएगा, ए से जेड तक गिनती हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, एबीसीडी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, कखारा मात्रा हो जाएगा, ठीक। अब फिर उसके बाद ये इनपुट तो है लेकिन किस चीज का है, किस चीज का इनपुट ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, नेम एट्रीब्यूट में दे देंगे, ये नेम लेगा स्टूडेंट का, ठीक। आप लोग इतना समझ गए, समझ गए ना, चलिए भी ये लेगा नेम। उसके बाद क्या होगा, होगा कुछ नहीं जी, यहाँ पे देखो, ये देखो सेम वैसा ही दिखाई देगा, लेकिन पहले पता नहीं था कि ये इनपुट एलिमेंट है किस चीज के लिए, तो नेम के लिए मैंने लिख दिया तो नेम आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है वैल्यू, तो हमें यहाँ पे वैल्यू अभी नहीं देना है, वैल्यू दे देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप जो चीजें लिखते हैं, ठीक है, वो जो है वैल्यू में चला जाता है, इस इनपुट एलिमेंट के, इस इनपुट कंट्रोल के वैल्यू एट्रीब्यूट में ये चला जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने कुछ लिखा, ठीक है, अब मैं रन करूंगा जैसे ही, तो क्या होगा, क्या होना चाहिए बताओ आप, ये होना चाहिए, आ गया इसमें अपने आप भराया हुआ, तो यही है जी, ठीक। अब मैं आता हूं, स्पेस देता हूं, ठीक है। वैल्यू एट्रीब्यूट का अलग अलग कंट्रोल में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है, राइट। मैं सिर्फ इतना ही लेता हूं अभी, ठीक है, तो ये नेम हो गया जी, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या लूंगा, क्या लूंगा अब इसके बाद, नाम के बाद और क्या लेना चाहिए, फादर नेम ले लूं, फादर नेम नहीं लूंगा मैं, कुछ और बताओ। फादर नेम में भी ऐसे ही लिया जाएगा, इसलिए मैं कह दिया कि नहीं लूंगा। कैसे, मान लो एफ, मैंने फादर एफ नेम ले लूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा एफ नेम। अब आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे जो देंगे वही यहाँ पे देंगे, नहीं जी, जरूरी नहीं है, फादर नेम ऐसे भी आप दे सकते हो, ठीक। ये जब सर्वर पे जाएगा ना, तो इसके आधार पे वैल्यू नहीं निकलेगा, इस नेम के आधार पे वैल्यू निकलेगा, ठीक। तो इस नेम का बड़ा महत्व है, ठीक। जैसे खाना खाने के बाद आप पानी पी लेते हैं, बड़ा महत्व है पानी का, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट से ही पता चलता है कि ये नेम का वैल्यू है, राइट। सेव करके मैं रन कर दूंगा इसको, चलिए ये क्या मजाक है, इसको तो मैं चाहता था कि नीचे आ जाए, नीचे तो आया नहीं जी, कुछ आइडिया बताओ यार, नीचे कैसे आएगा, क्या बात है, आपने तो झंडे गाड़ दिए,
चलिए जी बन गया ये। और स्पेस देना है तो क्या करूंगा बोल दो, जितना चाहे बी आर टैग दे दो यार, क्या फर्क पड़ता है, लाइन ही ब्रेक करना है ना, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो सभी में बी आर दे करके मैं इसी तरह से कंट्रोल बनाता जाऊंगा, राइट? समझ गया आप लोग? समझ गया ना? नहीं समझे? मैं सब डिलीट कर दिया जी, गलती हो गया मेरे से, जेड करता हूं। मैं क्या करता हूं कि टेबल में इसको बनाता हूं, ठीक है, टेबल टेबल में बनाऊंगा तो कंफ्यूजन आपको तो नहीं होगा ना? होगा, रहने दो, मैं सिर्फ फॉर्म को ही पहले समझा लेता हूं आपको। ठीक है, ए ले लिए, ठीक है, अब क्या ले लूं, डेट ऑफ बर्थ, डी ए टी, डेट ऑफ, स्पेलिंग सही है डेट ऑफ बर्थ का? अब मैं क्या करूंगा, डेट ऑफ बर्थ में इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा यहां पे, क्या कहते हो आप लोग, डी ओ बी ले लेता हूं मैं शॉर्टकट में, ये भी इधर आ गया, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा हमें, बी आर लिख के कंट्रोल स्पेस कर दिया तो बन गया ये। ओह नो, कंट्रोल जेड हो जाओ भाई, हो गया, ये आ गया। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ में भी मैं इनपुट टेक्स्ट ले लिया, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है कि यहां पे आपने ऐसा ले लिया? डेट ऑफ बर्थ के लिए तो कैलेंडर आना चाहिए ना, आना चाहिए कैलेंडर, तो कैसे करेंगे हम, बड़ा आसान है, कैसे, इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह पे कर दीजिए डेट, बस आपका काम बन गया, कितना बढ़िया है ना, एक ठोकोड़ लिखो डेट, बस कैलेंडर बन के सामने, वाह भाई वाह, इससे अच्छा तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, टुडे लिखूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक, तो बढ़िया है जी, अच्छी बात है, कैलेंडर बन गया ना हमारा। चलिए जी, आगे क्या लेते हैं, कोर्स। ठीक, तो कोर्स के लिए क्या करूं मैं, ऐसे कर दूं क्या, ले लीजिए, कोर्स के लिए मैं ऐसे कर दूं कि यहां पे कोर्स टाइप करे, मजा नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, बोलिए जैसे मजा आता है वैसे ही बनाओ, जब हमारा सुनना नहीं है तो पूछते क्यों, क्यों सही बोल रहा हूं ना, कोर्स कर दूंगा। ठीक है, मैं यहां पे आता हूं, ठीक है, न्यू फाइल लेता हूं, ठीक है, और मैं यहां पे बना के बताता हूं कि मैं कोर्स के लिए क्या लेना चाहता हूं। ठीक है, ड्रॉप डॉट एच टी एम एल, ठीक, कोर्स के लिए हमें क्या लेना चाहिए, आपने देखा है क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाता है, देखा है ना आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, वो बनता कैसे है वो बताता हूं मैं कि बनता कैसे है। ठीक, सबसे पहले सेलेक्ट नाम का टैग लेंगे ऐसे, ठीक, इस तरह से लेंगे, तो इसको लेने से क्या होगा, मैं यहां से कॉपी फाइल पाथ कर लेता हूं और फिर यहां पे आकर के पेस्ट कर दूंगा, ऐसा बन गया, मजा नहीं आया ना। चलिए जी, अब चाहते हैं हम कि इसी के अंदर कोर्स हो और सामने वाला बंदा क्या करे, सेलेक्ट कर ले, तो ऑप्शन तो कुछ दिख नहीं रहा था, ऑप्शन दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, OPTION ऑप्शन टैग, ऑप्शन लिख के मैं कंट्रोल स्पेस मारा, अपने आप ही बन गया। ठीक है, पर आप कैसे बनाओगे, ऐसे, ठीक, फिर बंद करोगे ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब इसको मैं रन करता हूं जी, तो अभी क्या हुआ, खाली एक ठो डब्बा बन के आ गया है इधर, अब उसमें कुछ कोर्स वोर्स तो दिखना चाहिए ना, तो क्या करेंगे हम, डी सी ए लिख देंगे, ये देख लीजिए आ गया यहां पे, मेरे को दो चार पांच ठो सब्जेक्ट चाहिए तो क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट में कर लेता हूं जी, लेकिन आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप ना करें ऐसा, करना तो मुझे भी नहीं चाहिए, वो इसलिए कि मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाओगे और कॉपी पेस्ट आप भी करिए दोगे। ठीक है,
लेकिन आप करना मत, समय के कारण मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। बुराई इसमें कुछ नहीं है, बुराई ये है कि आप बार बार लिखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, और कॉपी पेस्ट करोगे तो क्या होगा, आपको कोड याद नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। तो आप हमेशा, आपको कॉपी पेस्ट करने का आदत हो जाएगा, आप खुद से लिख नहीं सकते। जैसे मुझे याद था, सिलेक्ट टैग लगा दिया, फिर यहाँ पे ऑप्शन टैग लिखा, ठीक है। अब आप सीधे इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लोगे अपने पास और कहोगे चल तो रहा है, दिखिए रहा है, बढ़िया बना लेंगे ऐसा, ठीक है, लेकिन आप भूल जाओगे। इसलिए देखो, कुछ टीचर्स हैं ऐसे प्रोग्रामर्स जिनका मान्यता यह है कि आप पहले कॉपी पेन पे लिखो, फिर कंप्यूटर पे लिखो, फिर उसको रन करो, यह अच्छा प्रैक्टिस है, पर मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं कॉपी पेन नहीं उठाता, मैं सारा कंप्यूटर पे ही लिखता हूँ सीधा, मैं नहीं उठाता, बस एक बार मौन धारण करके बैठ जाता हूँ, सोच लेता हूँ कि मुझे करना क्या है, और फिर उठाता हूँ कंप्यूटर, सीधा लिख देता हूँ जो मुझे करना होता है। कॉपी पेन पे मैं नहीं लिखता, जो कॉपी पेन पे लिखने का काम होता है वो मैं सोच लेता हूँ कि हाँ हाँ ऐसा कर लूंगा मैं, हो जाएगा मेरा काम, ठीक है। अपना अपना होता है तरीका काम करने का, मैं नहीं कहूंगा कि आप मत लिखिए कॉपी पेन से, या मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आप लिखिए ही, होता है अपना अपना तरीका सबका, ठीक है। तो आपके लिए जो तरीका बेहतर आपको लगता है वो आप वही करिए, ठीक है, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, आपके लिए जो अच्छा है, आप जिस पे काम कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे डीसीए बीसीए पीजी डीसीए पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमाका आ गया, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि ये है क्या चीज, मुझे तो मालूम नहीं है जी ये डीसीए बीसीए एमसीए का क्या मतलब होता है। तो मैं क्या करूंगा, एक तो और ऑप्शन बनाऊंगा ऐसे, यहां पे बोल दूंगा सेलेक्ट कोर्स, ठीक ऐसे, अब यहां पे क्लिक करूंगा तो कोर्स सेलेक्ट कर लूंगा। तो ऐसा ही ड्रॉप डाउन मेनू वहां होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए ना, तो मैं बस इसी को कॉपी पेस्ट कर लू वहां पे, कि वहां पे लिख दूं, कहोगे तो मैं लिख भी दूंगा, कहोगे तो कॉपी पेस्ट भी मार दूंगा, कंट्रोल एक्स कर लूंगा, कितना खुशी का बात है जी, आसानी से काम हो जा रहा है, ये देख लीजिए हो गया जी यहाँ पे। अब मैं नया फाइल इसलिए लिया था ताकि यहाँ पे ज्यादा कोड का संख्या है, तो मैं नहीं चाहता था कि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया सेलेक्ट का, भी आप नेम दे सकते हैं, ठीक, नेम में कोर्स, ठीक। अब यहाँ पे जो है ना डीसीए लिखा है, बीसीए है, एमसीए है, ये यूजर को दिखने के लिए है, ठीक। आप इसमें चाहे तो वैल्यू एट्रीब्यूट से यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ पे लिख दो जी डीसीए, ठीक है, फिर वैल्यू कर दो बीसीए, ठीक है, फिर वैल्यू दे दो एमसीए, एक ही लाइन में, मतलब ऐसे ऐसे बोल रहे हो ना आप। देखिए बहुतों के मन में प्रश्न आता है, ठीक है, ये ऐसा क्यों लिखा है, आपने फिल्मों में भी देखा है कुछ ऐसी वो टेढ़ा मेढ़ा लिख देते हैं, लिखना नहीं आता क्या इनको, आपको सच बता रहा हूं मैं इसी कॉपी में लिख के छोड़ा था कुछ कोड, तो पापा आए उधर से तो बोल रहे हैं देख के इसको लिखना तक नहीं आया अभी, ठीक है। तो मेरे को मालूम चला तो मैं बोला नॉन टेक्निकल पर्सन का यही दिक्कत है, ठीक है, ये बताओ इतना लाइन छोड़ दिया, ठीक है, इसको लिखना तक नहीं आता है अभी तक। देखिए बात ऐसा है ना कि इसको मान लीजिए मैं कर देता हूं कैसे, ऐसे करके दिखाता हूं फिर आपको समझ में आएगा, ऐसे कर देता हूं तो इसमें कोई बुराई है नहीं, बुराई है, लेकिन ये पता आप नहीं चलेगा ना कि सेलेक्ट के अंदर ये ऑप्शन टैग है, तो सेलेक्ट के अंदर है इसलिए मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है, कोड का रीडिबिलिटी बढ़ता है ना इससे, इसलिए ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, कोड की रीडिबिलिटी के लिए ऐसा ही लिखा जाता है, पढ़ने में बहुत आसान होता है। अगर आप एक ही लाइन में लिख दोगे तो क्या बोलेंगे मालूम है, इसको तरीका नहीं मालूम है लिखने के, तो ये कोड ऐसा ही लिखा जाता है, ठीक है। अब भले लगता है कि अजीब तरीका है, यहां लिखेंगे फिर यहां फिर यहां, ये पूरा लाइन खत्म नहीं हुआ, दूसरा लाइन शुरू कर दिया, अजीब है ना, पर लिख है,
अति सुंदर दिख रहा है, वाह भाई। तो यहां पे मैंने वैल्यू दे दिया, ठीक है। मान लीजिए कि ये वैल्यू ना दे तो क्या कोई दिक्कत है? यार दिक्कत तो नहीं है, यहां पे आप नहीं देंगे वैल्यू तो इसी को उठा लेगा जो यहां पे डीसीए बीसीएमसीए है, ठीक है। लेकिन इस वैल्यू का एडवांटेज क्या है, यहां पे आप आईडी भी दे सकते हैं, डीसीए का आईडी, बीसीए का आईडी, एमसीए का आईडी। पर आईडी आपको बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप थोड़ी देर के लिए ना भूल जाओ, बोलो कि ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। ये यूजर को समझने के लिए ये सर्वर पे जाएगा, ठीक है। यहां पे वैल्यू जो है एम्प्टी दे दो, ठीक। अब इस तरह से अगर आपने लिखा, ठीक, तो एक रिक्वायर्ड नाम का एट्रीब्यूट आता है, ठीक है। उस एट्रीब्यूट को हम लगाएंगे तो वैलिडेशन भी चालू हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो रिक्वायर्ड कर दिया, रिक्वायर्ड, ठीक, तो इसका वैलिडेशन अपने आप चालू हो जाएगा। अब क्यों, हमने यहां पे वैल्यू को दिया है ना, ऐसे यहां पे वैल्यू नहीं दिया है तो एचटीएमएल जो है अपने आप पता लगा लेगा कि इसको सिलेक्ट किया है, इसको नहीं सिलेक्ट किया है। वैलिडेशन का मतलब आप सब लोग समझ रहे हैं यार, आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं ना, तो कुछ चीजें नहीं भरते तो बोलना लगता है प्लीज एंटर करो ये चीजें, वही वैलिडेशन कहलाता है। मैं दिखा रहा हूं अभी करके, तो हाँ, तो वही कहलाता है वैलिडेशन, ठीक। तो ये कोर्स आ गया, मैं इसको रन करूं तो क्या दिखेगा, क्या मजाक है, ये देख लीजिए आ गया यहां पे ऐसा, कोर्स हो गया जी। और क्या ले सकते हैं हम इसके बाद, इसके बाद हम जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, जेंडर, ठीक है। अब जेंडर के लिए हमें क्या करना होता है, रेडियो बटन बनाना होता है, ठीक। रेडियो बटन कैसे बनता है तो मैं यहां पे आपको बना के दिखा देता हूं, ठीक है। फिर यहां पे दिखाऊं, यहां पे ला के रख दूंगा, यहां पे ही लिख दूं तो आपको कंफ्यूजन होगा, नहीं होगा क्यों, यहां पे इतना सारा कोड है और यहीं पे लिख दूंगा मैं रेडियो बटन का भी सीधा, तो आपको कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना, कि कंफ्यूजन होगा इधर ही लिखूं, नहीं होगा, बाकी लोगों को भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या करूंगा, इनपुट लिखा, टाइप, टाइप में क्या कर दूंगा, रेडियो दे दूंगा। रेडियो का स्पेलिंग क्या है जी, यही होता है ना, चलिए हाँ, गोल तो बन के आ गया, ये देखिए हो गया। चलिए जी, मैं बी आर टैग यहां पे दो बार दे देता हूं, ठीक है। तो यहां पे आ गया वैल्यू, वैल्यू बोल रहा हूं, रेडियो बटन। अब एक किस चीज का है, तो मान लो कि ये मेल का है, ठीक है। यहां पे नेम क्या दे देंगे, नेम में पहला बार जब मैं काम कर रहा था तो कैसे किया था वो दिखा रहा हूं आपको, मैंने ऐसे ही लिखा था। एक तो दूसरा भी चाहिए फीमेल के लिए, तो दूसरा भी लिख लेंगे, ये लिखिए जी, ठीक है, बन गया ना, चलिए जी बन के रेडी हो गया। अब इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक, इसको भी सेलेक्ट कर लो। समस्या आ गया कि ये दोनों सेलेक्ट हो गया जी। रेडियो बटन का कानून ये कहता है कि बहुत सारा अगर आपके पास ऑप्शन है पर एक ठो सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो आप रेडियो बटन बना लो, ठीक है। लेकिन माना यह जाता है स्टैंडर्ड कि आपके पास ऑप्शन दो हैं, ठीक है, तो क्या करो, दो हैं या तीन हैं तो क्या करो, रेडियो बटन बना लो। लेकिन दो से अगर ज्यादा है, मान लो पांच ठो है, दस ठो है, बारह ठो है, तो क्या करो, इस तरह का सिलेक्ट के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू बना लो आप, ठीक। तो इसमें भी तो एक ही ठो सिलेक्ट होता है ना एक बार में, और रेडियो बटन में भी एक बार में एक ही सिलेक्ट होता है, ठीक है। तो क्या है, अगर बहुत ज्यादा आपके पास लिस्ट है, ठीक है, जैसे आप यहां पे दे दिया कि एड्रेस में आप अपना क्या राज्य सेलेक्ट करिए कि आप किस राज्य से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं या फिर मध्य प्रदेश से हैं या फिर बाकी अदर स्टेट से आप हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा राज्य का नाम आप डिफाइन कर देंगे। लेकिन राज्य का नाम बहुत सारा अगर इस रेडियो बटन में अगर आप डिफाइन करके बना देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पन्ना भर जाएगा, तो ये माना सही नहीं जाता, ठीक है जी। अब ये दोनों सेलेक्ट तो होना नहीं चाहिए जी, पर ये तो दोनों सेलेक्ट हो रहा है, तो क्या करना चाहिए इसके लिए, बता रहा हूं। नेम जो है सेम होना चाहिए, जेंडर,
यहां पे भी नेम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेम आप सेम रख दो, फिर क्या कर लो, इसमें क्लिक करोगे तो ये क्लिक हो जाएगा और इसमें क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो अभी बराबर काम कर रहा है। तो इस तरह से ये बन जाता है। तो ये क्लियर है आपको, रेडियो बटन क्लियर है ना, नहीं है क्लियर, क्लियर है, चलिए जी क्लियर है तो अच्छी बात है। यहां पे भी हमको वैल्यू देना चाहिए, नहीं देंगे तो क्या होगा, नहीं अगर आप देंगे तो सर्वर के पास डेटा नहीं जा पाएगा। डेटा तो जाएगा लेकिन क्या जाएगा, ऑन और ऑफ। वैल्यू अगर मैं नहीं दूंगा तो क्या होगा, ये देखिए, अगर ये सिलेक्ट करूंगा ठीक है तो यहां पे जेंडर में आ जाएगा ऑन, ठीक है, और इसको सिलेक्ट करूंगा तो भी जेंडर में आ जाएगा ऑन, ऑन और ऑफ आता है खाली ये, ठीक है। खैर मैं बटन बनाऊंगा तो बताऊंगा उस चीज को, ठीक है। यहां पे वैल्यू दिया जाता है ऐसे, और जो आपने बाहर लिखा है उसी को यहां पे आप लिख दीजिए ऐसे, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अब जो है सही हो गया, अब इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप मेल जाएगा, इसको सिलेक्ट करेंगे तो फीमेल चला जाएगा सर्वर पे, ठीक, समझ में आ गया जी आपको। मैं यहां पे आता हूं, इनपुट एलिमेंट कितने तरह के होते हैं थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट टाइप का होता है, नंबर टाइप का होता है, डेट टाइप का होता है, टाइम टाइप का होता है, और क्या होता है, ईमेल टाइप का होता है, और क्या होता है मुझे ना याद नहीं आ, सी ओ एल ओ आर कलर टाइप का होता है, और कुछ नंबर हो गया, और कुछ होता है, नहीं होता है, रेडियो बटन होता है, ये तो मैं भूल ही रहा था बना के। इनपुट टाइप में ही, इनपुट टाइप का एट्रीब्यूट में ही तो आप देते हैं ना, रेडियो बटन तो रेडियो होता है, चेक बॉक्स होता है सी एच के चेक बॉक्स, ठीक, ड्रॉप डी ओ डब्ल्यू एन ड्रॉप डाउन मेनू होता है, और क्या होता है, एस ई ए आर सी एच सर्च होता है, और क्या होता है, और कुछ, ईमेल लिख लिया हूं मैं, डेट लिख लिया, टाइम लिख लिया, कलर लिख दिया, और क्या लिखना है मेरे को, और मुझे याद आएगा तो मैं और आपको बता दूंगा कि और क्या क्या होता है, ठीक है। तो इतना चीजें हमने ले लिया, बटन भी होता है यार इनपुट टाइप में, बी यू टी टी ओ एन, बटन तीन तरह के होते हैं, एक नॉर्मल बटन होता है, एक सबमिट बटन होता है, और एक रीसेट होता है, ठीक। तो ये आपका हो गया। एक ठो और एक्सेप्ट को मैं देखा तो मुझे याद आ गया कि एक ठो और होता है इनपुट बॉक्स, वो क्या होता है, इनपुट टाइप फाइल, फाइल आप अपलोड करते हो ना तो वही होता है। इन सब को मैं क्या करूंगा जी, यहां से कॉपी करके इधर कहीं है ये फॉर्म टैग के अंदर, फॉर्म कंट्रोल्स में क्या आएगा, पहला इनपुट, ठीक, इनपुट, इनपुट में क्या क्या होता है जी, तो बहुत सारा होता है, ये चीजें होता है, टैब मार्क में आगे ले जाऊंगा तो ये गायब हो जाएगा, बाद में कभी ले जाएंगे आगे, ठीक है, ऐसे। टाइम नहीं है मेरे पास इतना, छोड़ो हटाओ, बाकी फिर याद जैसे जैसे आएगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ एट्रीब्यूट और भी एक दो हैं, ठीक है, एक एट्रीब्यूट मैं आपको बता दे रहा हूं अभी, ठीक, मैक्स, ठीक, मैक्स माने क्या, मैं 10 डाल दिया मैक्स में, मीन में क्या डाल दूं, 3 कैरेक्टर, तो क्या होगा, मिनिमम 3 कैरेक्टर आपको इंटर करेंगे और मैक्सिमम 10 कैरेक्टर, ठीक,
यहाँ पे मैं आता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या मजाक है। अच्छा आप समझ में आया मुझे। मैक्स लेंथ 10 डाल दूं, चलिए जी। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। अब ये देखिए टाइप होना ही बंद हो गया। तो ये मैक्स लेंथ है, ठीक है। और क्या कर लें जी हम, बाकी चेक बॉक्स को नहीं बताया ना मैं आपको, चेक बॉक्स भी बता देता हूँ। यहाँ पे दो बार बी आर दे देता हूँ मैं, ठीक है। और फिर क्या करता हूँ, बी आर देने के बाद क्या कर लूँ, क्या कर लूँ मैं, एडिशनल का स्पेलिंग बताइए आप लोग। एडिशनल नो प्रॉब्लम मत बताओ, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, ये तो मैं लिख ही सकता हूँ, एडिशनल का स्पेलिंग नहीं आता तो ठीक। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको डीसीए बीसीए पीजी डीसीए जो भी आप सब्जेक्ट चुनोगे, ठीक है। क्या आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में क्या क्या रख लेंगे हम, उसके लिए मैं चेकबॉक्स बनाऊंगा, ठीक। और इनपुट टाइप में सी एच के चेक, सी के चेक बॉक्स कर दूंगा, ठीक। अब देखिएगा रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, ये देखिए बन गया ऐसा। तो चेक बॉक्स जो है मल्टीपल सिलेक्ट होता है, ठीक है। नेम में क्या दे दूंगा, इसका भी नेम सेम ही रहेगा जैसे रेडियो बटन का था, ठीक। तो यहां पे क्या होगा, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, ठीक है। और एक इधर बाहर आके मैं क्या कर दूंगा, वैल्यू यहां पे भी हमको देना होगा, ठीक है। अब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में क्या मुझे चाहिए जी, जैसे मान लो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, सी पढ़ना है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में सी थोड़े आता है, सी तो ऐसे ही रहता है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में मैं क्या डाल दूं, कुछ क्या, चलो सी ही डाल देता हूं। क्या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आपको सी पढ़ना है या सी प्लस प्लस पढ़ना है, ठीक है, ये बराबर काहे दे रहा हूं, या फिर HTML पढ़ना है, HTML, ठीक है। इस तरह से ये देख लीजिए सब एक साथ आ गया। मैं BR टैग दे देता हूँ इन सब में, ठीक है। ये तो नीचे आ गया जी, मजा नहीं आया। इसको भी हम नीचे ही ला देते हैं, ठीक है। अब मार्जिन वगैरह मैं इसमें चाहता तो दे सकता था, लेकिन मैं नहीं दिया जो है। तो यहां क्या होगा, HTML या CSS, C++ या C, ठीक है। तो क्या नहीं, रेडियो बटन जो रहता है वो कोई एक सेलेक्ट होता है, लेकिन चेकबॉक्स जो है वो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए ही होता है, ठीक। हाँ, सिर्फ एक ठो सिलेक्शन करना है तो रेडियो बटन आप लगाइए या तो ड्रॉप डाउन, ठीक। अब चेकबॉक्स को जब मैं सिलेक्ट किया तो मुझे याद आया कोई एक ठो लिस्ट बॉक्स भी होता है, ठीक है, जो कि शो करता है बहुत सारा लिस्ट, उसमें आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ होता है ऐसा तो उसको मैं आपको बता दूंगा, लेकिन तुरंत तो नहीं बता रहा हूं मैं अभी, ठीक है। और इसमें क्या हम ले लें जी, इनपुट टाइप कलर का भी मैं बता देता हूं, डेमो दिखा देता हूं आपको, ठीक है। COLOR इनपुट टाइप में दे देंगे COLOR, ठीक है। इसमें क्या दे देंगे, इनपुट टाइप कलर में नेम क्या दे दें,
फेवरेट कलर, पी वी आर टी, फेवरेट कलर, मेरे को मालूम है स्पेलिंग गलत है पर मैं नहीं जानता सही स्पेलिंग क्या होता है, आप लोग इसलिए मैनेज कर लेना जी। अब इनपुट टाइप मैंने कलर जब लिखा तो क्या हुआ, हमारे पास ऐसा कलर बन के आ गया, क्या मजा आ गया, मजा आ गया ना देख के। बस इनपुट टाइप कलर लिखिए और कलर आपके सामने हाजिर, ठीक है। यहां से कलर आप सिलेक्ट कर लीजिए जो चाहिए, ठीक है। कितना अच्छा होता ना कि यहां से हम कलर सिलेक्ट करते और बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता, बढ़िया रहता ना, नहीं हो रहता, बढ़िया तो होता लेकिन जावा स्क्रिप्ट वगैरह से ये पॉसिबल है, हो जाता, ठीक है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में अभी आपको बता नहीं रहा, ठीक है, खैर छोड़िए, देख लेंगे कभी बाद में मौका मिलेगा तो। हाँ क्या कह रहे हो, शेयर कर दूँ, कहाँ शेयर कर दूँ, मोबाइल में शेयर कर दूँ ये फॉर्म को, इस फॉर्म में ऐसा है क्या रखा हुआ, ये तो बड़ा, किसको ये, जो टाइप किया हूँ मैं, टाइप क्या किया, नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। शेयर करने के लिए क्या कह रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये हाँ क्या करो इसका, दिमाग मत करो, हाँ मोबाइल में शेयर कर दो भाई मेरा, मैं फेसबुक नहीं चलाता, ट्विटर मेरे को चलाना नहीं आता, लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है, ये भी नहीं चलाना आता, कुछ नहीं चलाने आता, ठीक है। अब व्हाट्सएप वगैरह मेरा नेटवर्क चल नहीं रहा है कि मैं शेयर करूं, लेकिन शेयर क्या करूं बताओ ना, वही तो पूछ रहा हूं, शेयर क्या करूं, इस कोड को, ये तो बड़ा आसान कोड है यार, फोटो खींच, तो शेयर क्या करना है, हाँ इस फॉर्म को शेयर करूं, अरे यार ये जो यहाँ पे कोड मैं लिखा हूं ना, इसी कोड को HTML में आप लिख के रन कर दोगे तो ये फॉर्म नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना, नहीं बन जाएगा, तो कोड का ही तो मैं उतने देर से बात कर रहा हूँ ना कि कोड ही सेंड करना है ना। मेहनत नहीं करना है क्यों, चलिए मैं आपको एक स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, स्टोरी मेरे पास समय नहीं है जी अभी कि स्टोरी सुनाऊं, अगला मैं देखता हूँ कि क्या है बताना। और हाँ याद आ गया, इसमें फोटो तो अपलोड करने के लिए मैं ऑप्शन ही नहीं दिया जी, ठीक है, तो एक तो और ऑप्शन देता हूँ, इनपुट टाइप FILE, ठीक है, फाइल नेम में दे दूंगा PH फोटो, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइल अपलोडर बना लोगे, क्लिक करोगे, वाह भाई वाह कितना बढ़िया फाइल अपलोडर खुल गया तुरंत। इसमें मैं सेलेक्ट करूं, जैसे ही सेलेक्ट करूं डिस्प्ले पे वो दिखने लगे फोटो, दिखने लगता तो कितना अच्छा था ना, सच में दिखने लगेगा जी, दिखा दूं आपको, समझ में तो नहीं आएगा, दिखा दूं पक्का। इमेज टैग एक ठो बनाना पड़ेगा फिर दिख जाएगा, बड़ा आसान काम है, लेकिन कोड बहुत कोड बहुत क्या, लेकिन वो कोड जरा भी आपको समझ में नहीं आएगा अभी, इसलिए कोई फायदा नहीं हो कोड दिखा के मेरे को, हैं नहीं दिखाऊं। चलिए जी बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम समय तो बचा मेरा, हाँ तो कंफ्यूज तो हो जाना, ये बात तो है जी। चलिए मैं दिखा दूंगा, ठीक है, अंतिम में दिखा दूंगा कि कैसे होगा, ठीक है, अंतिम में दिखा दूंगा। तो ईमेल हमने नहीं लिया था ना, ईमेल भी ले लूं, रहने दो,
एक ठो ले लेते हैं ईमेल, ठीक है, वो जब लेने का इच्छा है तो ले लो ना, पूछते क्यों वो। नेम के बाद जो है ईमेल ले लेता हूं, ठीक है, यहां पे ले लूं ईमेल, ठीक है, इनपुट, क्या मैं लिख रहा हूं, इनपुट, ठीक है, यहां पे इनपुट टाइप में ईमेल आप लिख दो, ठीक है, यहां पे नेम में ईमेल ले लूंगा क्योंकि स्टूडेंट का ये ईमेल यहां पे आएगा ना, बस बन गया ईमेल, ठीक है, ये देखिए बन गया ना ईमेल, इसमें अब ईमेल एंटर। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं ना, ये सब अपने आप यहां पे भराने लग रहा है, मजा नहीं आ रहा मेरे को देख के। मैं क्या काम करूंगा, फॉर्म में एक तो एट्रीब्यूट पास कर दूंगा, ऑटो कंप्लीट कर दूंगा ऑफ, दिमाग खराब कर रखा है ये ऑटो कंप्लीट मेरा। ये देखिए अब ऑटो कंप्लीट जो है अब नहीं आ रहा है, ठीक, तो आप समझ गए कि आपने क्लिक करा है बॉक्स पे, ठीक है, और अपने आप जो है नीचे आने लगा सजेशंस वगैरह की ये है, ठीक है, तो वो कहलाता है ऑटो कंप्लीट, उसको ऑफ करना है तो आप ऐसे कर देंगे, बड़ा आसान काम है ना। अपने आप कैसे आ जाएगा, पूरा डालना पड़ेगा आपको जी। ऑटो कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि आपने जैसे मान लीजिए मैं पहले कुछ फॉर्म भरा, ठीक है, और मैं दूसरा लगा फॉर्म भरने, तो ऑटो कंप्लीट में जो पिछला बार आपने जो फॉर्म भरा था ना डेटा के साथ, उन डेटाओं को सजेशंस के रूप में नीचे दिखाने लगता है कि इसमें से कोई डेटा चाहिए, अगर इसमें से डेटा चाहिए तो सिलेक्ट कर लो, अन्यथा टाइप कर लो, ठीक है। जैसे अभी आ रहा था ऑटो कंप्लीट में, ठीक है, तो मैं क्या किया, ऑटो कंप्लीट को ऑफ कर दिया, ठीक है, और क्या, चलिए बटन बनाते हैं, अब बहुत हो गया भाषणबाजी। तो मैंने आपको बताया कि बटन कितने तरह से होते हैं, के होते हैं, तीन तरह के होते हैं बटन, राइट, कौन कौन सा बटन, सबमिट बटन, नॉर्मल बटन, रीसेट बटन, राइट, ठीक है। फोटो के बाद मैं बीआर टैग लगा दूं तो ब्रेक हो जाएगा नेम के लिए, ठीक है, ये लीजिए, ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा, बटन कैसे बनाया जाता है, इनपुट, ये देखिए इनपुट आ गया, टाइप में मैं क्या दे दूंगा, इनपुट टाइप सबमिट बटन मुझे बनाना है ना, तो टाइप में दे दूंगा सबमिट, ठीक। नेम में क्या दे दूं, जो मन करे वो दे दीजिए, मैं नेम में सबमिट ही रहने देता, सबमिट कर दिया, ठीक। तो यहां पे देखिए आ गया सबमिट, ठीक, सबमिट बटन बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब इस पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म सबमिट होने लगेगा, ठीक। अब यहां पे सबमिट आ रहा है ना बाय डिफॉल्ट, सर वो कॉलर एमपी, क्या कॉलर एमपी, अरे कलर मेरे को बताना था इसलिए दे दिया था कलर, यहां कलर का जरूरत नहीं है, ठीक है, बताना था मेरे को कि कलर भी एक इनपुट होता है तो मैंने वैसे ही लिए बना दिया, ठीक है। कलर जब हटाना है, हटाने से फिर से मुझे याद आया कमेंट में आप लोगों को नहीं बताया हूं, ठीक। तो कमेंट मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि ये लाइन का कोड मैं नहीं चाहता कि मेरे एचटीएमएल पेज में दिखे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कमेंट कर दूंगा। कमेंट दो कारण से करते हैं, एक चीज कि ये जो इनपुट नाम का कलर है ना, ये कलर है, इसमें क्या मैं ले रहा हूं, उसके यूनिफॉर्म का कलर ले रहा हूं या चश्मे का कलर ले रहा हूं, ठीक है। तो क्या करेंगे जी, यहां पे बोल देंगे कि यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, गेट कर रहा हूं यूनिफॉर्म कलर, ठीक, ये चश्मे का कलर नहीं है जी, ये यूनिफॉर्म का कलर है, ठीक। ये जो है, जो दूसरा कोई आपका ये कोड देगा तो उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये यहां पे बोल देता हूं गेट यूनिफॉर्म कलर, की यूनिफॉर्म ऐसा रहेगा कलर उसका,
लेकिन अब जैसे ही इसको मैं चलाऊंगा तो क्या होगा, यहां पे तो आ गया ना गेट यूनिफॉर्म कलर, ये आना नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे हम कमेंट करेंगे। कमेंट कैसे किया जाता है, ये साइन दे दो आप, ये साइन को क्या कहते हैं बताओ, मैंने बताया था आप लोगों को क्या, हाँ अंडर स्कोर, और इस साइन को क्या कहा जाता है, नहीं बताओगे, आपको मैं थ्योरी में साथ बताया था बोर्ड में लिख के, इसको कहा जाता है एंगल ब्रैकेट। ठीक, आपको मैं फिर से बताता हूं वही ज्ञान, ठीक है, गाढ़ा हुआ दहन किताब का ज्ञान काम नहीं आता वक्त से, आपको चीजें याद रखनी चाहिए। अगर मॉडर्न जनरेशन में आपको मॉडर्न तरीके से कहूं तो आपने उधार दे रखा है पैसा और नोट्स बना के रखा है, वक्त पे नहीं काम आएगा, उम्मीद नहीं रखना, ठीक है। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा, इसको कहा जाता है एंगल ब्रैकेट। ठीक, मैथमेटिक्स वगैरह के भाषा में क्या कह देते हैं, इसको कहेंगे ग्रेटर देन और इसको कहेंगे लेस देन। ठीक, आप लोग समझ गए, आ गया समझ में जी, ठीक है, है? क्या कह रहे हो, जो मर्जी हो याद कर लो जी, ठीक है। एंगल ब्रैकेट ये है ओपन एंगल ब्रैकेट, ये है क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, ग्रेटर देन कहते हैं, लेस देन कहते हैं इसको, ठीक है, तो आप याद रखोगे। ठीक, चलिए जी, तो कमेंट कैसे करेंगे, ये साइन देंगे, इस साइन को क्या कहा जाता है, एक्सप्लामेशन साइन। ठीक, अब मैं ये दे दिया, अब दो ठो माइनस लगा दूंगा। ठीक, जैसे ही ओपनिंग एंगल ब्रैकेट या लेस देन एक्सप्लामेशन साइन के बाद दो ठो माइनस का साइन लगाया, ये कोड जो है कमेंट हो गया, ये देखिए कलर बदल गया ना, तो ये कमेंट हो गया। अब इसको मैं सेव करके रन करूंगा तो क्या होगा, गायब हो गया ना, अब देखिए सारा गायब हो गया नीचे, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ कलर जो है ना दिखाई दे, तो फिर यहां पे आऊंगा और ये लगा दूंगा, इसमें ये लगा दूंगा। ठीक, क्या करूंगा, दो ठो माइनस साइन दूंगा और फिर ग्रेटर देन या क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट लगा दूंगा और सेव करके कर दूंगा मैं रन। ठीक, हो गया, कलर गायब हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं क्या उदाहरण आपको दे रहा था कि ये मैं ले रहा हूं यूनिफॉर्म का कलर, तो समझने के लिए यहां पे लिख दिया हूं गेट यूनिफॉर्म कलर। अब कोई भी दूसरा डेवलपर जो रहेगा वो देखेगा कि ओ यूनिफॉर्म का कलर गेट कर रहा है ये, सच कहूं तो ये मेरा कमेंट करने का ये जो है ना स्पेलिंग जो मैं लिखा हूं गेट यूनिफॉर्म कलर यही बेकार है। ठीक है, लेकिन कोड का रीडेबिलिटी वगैरह बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर इस चीज को नहीं रीड करता। ठीक, आप लोग समझ गए, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, ठीक है, बीच में उनको खांसी आ गया, ठीक है, तो जो ट्रांसलेट करता रहेगा क्या वो भी खांसेगा, यार इग्नोर करो उसको, ठीक है, उनको खांसी आ गया, खांसने लगे वो, ठीक है, तो जो ट्रांसलेटर रहेगा वो तो नहीं खांसेगा ना, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे हमने कमेंट कर दिया है, लेकिन कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को हमें बताना तो पड़ेगा, यार एक कमेंट कर रखा हूं खुद समझने के लिए कि मैं 10 साल बाद जब इसको ओपन करके देखूं तो मुझे समझ में आने लगे कि मैं क्या क्या किस लिए लिया हूं। ठीक है, भूलू ना मैं, इसलिए मैं कमेंट कर रखा है। ठीक है, तो कमेंट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, आप लोग समझ गए होंगे, क्या समझे कमेंट का मतलब, बोलो प्रधानमंत्री खांसेंगे तो ट्रांसलेटर नहीं खांसेगा। ठीक है जी, चलिए मैं किधर था, सबमिट बटन में था। अब जैसे मान लीजिए ये सबमिट बटन है ना यहाँ पे, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सेव डेटा आ जाए या फिर सेव का आ जाए दिखाई दे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके लिख दूंगा सेव। अब जैसे ही वैल्यू एट्रीब्यूट में सेव डालूंगा तो सेव में परिवर्तन हो गया। ठीक, आप लोग को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रश्न, कोई तकलीफ तो पूछ लीजिए। सब कुछ सेव करें, हाँ, ऐसा हो सकता है कि
आपने सेव बटन पे क्लिक करा तो आप चाहते हैं कि जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करें तो हमको मेल चला है कि इसमें क्या क्या एंटर किया, यही चाहते हैं ना आप? हाँ, ये हो सकता है इसको हम सेव करके यहाँ पे सबमिट करने के बाद हमें जो करना है हम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ HTML से नहीं होगा, ठीक? तो किससे होगा? उसके लिए PHP इस्तेमाल करना पड़ेगा, JSP इस्तेमाल करना पड़ेगा, VB.NET इस्तेमाल करना पड़ेगा, C# इस्तेमाल करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको, ठीक है? लेकिन ये हो जाएगा, ठीक है? ऐसा होगा, ऐसा करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं PHP वगैरह का, सर्वर साइड लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम ऐसा कर सकते हैं, ये बड़ा आसान काम है, ठीक? और कोई प्रश्न किसी के मन में है तो पूछ लो। और कोई प्रश्न नहीं है? प्रश्न कोई? ठीक है जी। क्या चीज नहीं, नहीं है? नहीं है तो बड़ा अच्छा बात है, कितना खुशी का बात है जी कि नहीं है प्रश्न। चलिए जी, अब हम क्या बनाते हैं? नॉर्मल बटन, ठीक? नॉर्मल बटन के लिए यहां पे क्या लिख दूंगा? बटन, ठीक। नेम में क्या दे दूंगा? नेम में वो दूंगा जो इस बटन से हमें काम कराना है, ठीक है? इस बटन से हमें क्या काम कराना है वो काम मैं नेम में दे दूंगा। जैसे मेरे को बटन से क्या काम कराना है, जैसे फोटो मेरे को दिखाना है या फोटो को जूम करना है, ठीक है, फोटो को बड़ा छोटा करना है, तो बोल दूंगा फोटो जूम इन जूम आउट, ठीक है, नेम में दे दूंगा। और वैल्यू में भी कुछ वैसा ही लिख दूंगा, वैल्यू एट्रीब्यूट वहां भी होता है, तो वैल्यू में क्या दे दूंगा? ओपन इमेज कर दूंगा, तो वैल्यू में ओपन इमेज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरह का। मतलब ये जो नॉर्मल बटन है ना, ये नॉर्मल बटन क्या करेगा इस बात का निर्धारण आप खुद कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के इस्तेमाल करके, राइट? इसीलिए HTML एक नॉर्मल बटन दे दिया, बोल दिया भाई आपको क्या करना है आप देख लो, फैसला कर लो, हम चले, ठीक। तो चलिए जी आगे चलते हैं। रीसेट बटन क्या करता है? जैसा नाम है वैसा ही काम है, ठीक। इनपुट टाइप में क्या दे दूंगा? रीसेट। नेम में क्या दे दूंगा? नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। यहां पे वैल्यू में क्या दे दूंगा? रीसेट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप रीसेट ही दें, ठीक है, मैं रीसेट दे रहा हूं। अब इस बटन से क्या होगा आप देखिएगा जरा, यहां पे मैं कुछ नेम लिख, ये तो नाम नहीं है जी। अच्छा, नंबर में टाइप करा तो मेरे को याद आया, तो मैं वही बोलने वाला था अभी कि जैसे मान लीजिए मोबाइल नंबर है, ठीक, तो मोबाइल नंबर के लिए क्या हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे? टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मोबाइल नंबर में तो सिर्फ आपका गिनती ही आएगा ना, तो इसलिए इनपुट टाइप नंबर हमको लेना चाहिए मोबाइल नंबर में। मोबाइल नंबर यहां पे मैं ले लूं? ले लेता हूं मोबाइल नंबर भी, भूल गया था उस समय जी, अभी याद आ गया अचानक से मुझे, ठीक है। तो क्या करूंगा यहां पे? MOBILE, ठीक। इनपुट, अब टाइप में क्या दे दूंगा मैं? नंबर। नेम में क्या दे दूंगा? मोबाइल। वैल्यू में क्या दूंगा? खाली छोड़ दूंगा, वैल्यू तो यूजर देगा ना। अब देखिएगा जी आ गया नंबर, ठीक है। मैं BR टैग देता हूं, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं यहां पे, अब ये देखिए नंबर है, यहां पे मैं टाइप नहीं कर सकता कुछ, यहां पे सिर्फ E टाइप कर सकता हूं, ठीक है। इसके पीछे कुछ है रीजन जो मैं अभी नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, लंबा चौड़ा उस पर तो मैं नहीं चाहता कि मैं थोड़ा लंबा भाषण दे दूं, बस आप समझ लीजिए E टाइप हो जाता है एक्सेप्शन के केस में, ठीक है, लेकिन बाकी चीजें इसमें नहीं आएंगे।